आज यदि धरती पर भागवत होनी बंद हो जाएं, अच्छी बातें सत्कर्म होने बंद हो जाएं, तो आज कलयुग इतनी चरम सीमा में चढ़ जाएगा कि इंसान इंसान को मारकर खा जाएगा। ये स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। वो तो सत्कर्म ने, धर्म ने, कथाओं ने अभी तक कुछ थाम के रखा है, बचा के रखा है। अभी लोग डरते हैं गलत करने से, उन्हें लगता है कि हाँ ये गलती ना करें। यदि ये धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, कलयुग अपनी चरम सीमा में अभी आ जाएगा, अभी पतन होने लग जाएगा इंसान का। फिर नहीं देखेगा व्यक्ति कि ये कौन है, जिंदा जलाकर खा जाएगा इंसान इंसान को। ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का यही तो अंत है, धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। बेटा अपनी माँ को माँ नहीं समझेगा, जो कि आज इस प्रकार के लक्षण कुछ कुछ दिखने भी लग गए हैं, है ना। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से ही निकलते थे, और कलयुग में भी निकल रहे हैं। तो कलयुग में और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि कलयुग में और सतयुग में, सतयुग में लोगों के विचार बहुत अच्छे होते हैं, सतयुग में पुलिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई अपराध ही नहीं करता। सतयुग में जेल नहीं होते, क्योंकि सारे लोग पाप करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम गलत करेंगे हमें भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए ना जेल की जरूरत होती है, ना जज की जरूरत होती है, क्योंकि वहां के लोग पाप करते ही नहीं। उन्हें पता है कि हम गलत करेंगे भोगना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप नहीं करते, गलतियां नहीं करते, गलत करने से बचते हैं। आप ही ये बताओ, हमारे भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो किसी के गले की चैन खींच कर ले जाते हैं, ऐसे भी लोग भारत में पाए जाते हैं। और ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि किसी के लाखों रुपए यदि किसी के रिक्शे में रह जाते हैं, तो वो रिक्शा वाला तुरंत तुम्हारे घर जा कर के तुम्हारे पैसे देता, भैया ये तुम्हारा बैग छूट गया था, ये ले लो। तो ये जो रिक्शा वाला, जिसके अंदर आज भी इस घोर कलयुग में भी सत्य टिका हुआ है, यही तो सतयुग के लोग हैं। यही, जैसे मैंने एक सुना एक रिक्शे वाले के बारे में कि किसी के 3 लाख रुपए छूट गए थे उसके रिक्शे में, उसने पता लगाते लगाते उसके घर जाके पहुंचाया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किनारे ले जाके तुम्हें लूट लेते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। तो अभी अच्छे लोग 1000 2000 में कोई एक ऐसा आज है कि तुम्हारे साथ अच्छा करता है, बाकी लोग बुरी बातें लिए घूम रहे हैं। सतयुग जब आएगा तो सबके चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, सब अपने आप व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आपके अपने आचरण से व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि आप खुद गलत नहीं करेंगे। भाई आज व्यवस्थाएं इसलिए तो बनानी पड़ती हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। जब आप सभी सही रास्ते पर चलेंगे, आप स्वयं मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो व्यवस्थाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही सतयुग है। इस कलयुग में तो ये हाल है, चप्पल जूते तक नहीं बचते, लोग चुरा चुरा के ले जाते हैं। क्या बताएं? तो ये घोर, ये कलयुग है, यहां लोगों की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि वो जूते तक चुरा लेते हैं। अब सोचो, ये कलयुग है ना, ये कलयुग है। और सतयुग में कैसे होते हैं कि किसी का सोना भी पड़ा रहे तो उसे माटी समझ के वो आगे निकल जाते हैं। ना जी, ये हमारा नहीं, उनके अंदर सत्य भाव है। वही सतयुग है जहां लोगों के विचार अच्छे हैं, सात्विक हैं, सात्विकता ज्यादा है, वो सतयुग है। और जहां चोर और चक्के ज्यादा हैं,
वो कलयुग है, है ना। कलयुग के बारे में तो लिखा है, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, मंदिर सूना सून रहेगा। इस कलयुग में क्या होगा, मंदिर मंदिर में कोई घंटा घंटी बजाने, आजकल तो देखो ना इलेक्ट्रिक घंटे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई मंदिर में घंटा बजाने वाला भी नहीं बचा, सोच लो। ये कलयुग में ये दुर्दशा है कि आज मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटे लग रहे हैं, बटन दबा दो टन 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 चलता रहा, क्यों जी क्या बताइए, ये कलयुग नहीं है। हम मंदिरों में जहां इलेक्ट्रिक घंटे चालू हो गए, यही कलयुग है। आज सोचो मंदिरों में घंटी बजाने घंटे बजाने वाले लोग नहीं बचे, जबकि कहां जा रहे हैं लोग। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। ये कलयुग में बाप अपनी बेटी का धन खूब खाता, बेटी लाओ लाओ लाओ, तुम ही लाओ, तुम्हारी खा लेंगे हम। ये कलयुग है। हाँ सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। देखो ये बिल्कुल सत्य हो रहा कि नहीं। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। और क्या लिखा है, कि ये कलयुग में काले धन और काले मन वाले लोग ज्यादा होंगे, काला धन और काला मन। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। आज पता ही नहीं चलता कि किसके मन में क्या चल रहा है, जो तुम्हारे प्राणों से ज्यादा प्यारा था वही धोखा दे देता है इस कलयुग में। क्यों, अरे और तो ठीक है, आजकल की पत्नियां अपने पति को धोखा दे देती हैं, आजकल के पति अपनी पत्नी को धोखा दे देते हैं, आजकल का बेटा अपनी माँ को, इससे ज्यादा, अरे बेटे से ज्यादा सगा और कौन होता है बताओ, बेटे से ज्यादा सगा कौन होता है। लेकिन वो सगा जो सगे से भी परम सगा बेटा, उससे सगा कोई नहीं होता, लेकिन वो भी आज धोखा दे रहा है कि नहीं।
सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ, चोर उचक्के खूब नगर सेठ भ्रष्टाचार कर करके, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। ओ भगवान का भजन करने वाला सात्विक आदमी बड़ा गरीब है, क्या बताएं, घोर कलयुग है। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, आनंद से जीवन गुजर जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, है ना, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए ये घोर कलयुग है भैया, जैसे हो सके अपने आप को बचा लो बस। इस घोर कलयुग में भी आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बोले सत्संग की छतरी लगा लो, प्रेम का छाता लगा लो, भक्ति का छाता लगा लो, कलयुग के पाप तुम्हारे ऊपर नहीं बरसेंगे। जो नहीं लगाएगा ये प्रेम और भक्ति का छाता, उनके ऊपर ये पाप बरसता रहेगा।